हेलो एवरीवन, आई एम गरिमा जोशी और ये मेरा नेक्स्ट वीडियो। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताना चाहूँगी कि फीचर ऑफ डॉस होते क्या है, कैसे डॉस के फीचर्स जो है वो परफॉर्म करते हैं, कैसे हम डॉस के अंदर डिफरेंट चीज़ें जो है वो एप्लीकेबल करवा सकते हैं, कैसे उसके अंदर क्या क्या फंक्शंस परफॉर्म होते हैं, उन सब के बारे में हम इन डिटेल्स अब पढ़ेंगे जो फीचर्स ऑफ है डॉस। नाउ ये हमारे क्लास 9th का टॉपिक है और क्लास 9th के टॉपिक में बेसिक कंप्यूटर नॉलेज के बारे में बताया गया है। इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्लियर करने वाली हूँ कि एप्लीकेशंस एंड विंडोज़ किस में क्या क्या होता है और कैसे वो वर्किंग होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम वो देखेंगे। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे फीचर्स ऑफ डॉस की, एग्जैक्टली हमारे फीचर्स ऑफ डॉस होते क्या है। फीचर्स ऑफ डॉस में होता है कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस होता क्या है, जब आप कहीं पर कमांड को क्या करते हैं, इनपुट करते हैं, मतलब कि जब आप आपका ये डॉस बॉक्स से, जब आप डॉस बॉक्स के अंदर आपके कमांड जो है वो इंटर करते हैं, जब आप कमांड को इंटर करते हैं तो वो इंटर जो है वो लाइनिंग एंड सिक्वेंशियल फॉर्म में होती है। अगर आप उसमें इंटर प्रेस नहीं करेंगे तो वो कमांड कंटिन्यूशन फेज में क्या होगी, चलती जाएगी इन रिटर्न बढ़ती जाएगी। जो कमांड है वो कमांड हम सीक्वेंस में भी इसके अंदर इंटर करवा सकते हैं और बंडल्स में भी इनपुट करवा सकते हैं। डॉस के अंदर जो हम कमांड्स रहती है उन कमांड्स को हम सीक्वेंस में भी इनपुट करवा सकते हैं एंड बंडल्स में भी क्या करवा सकते हैं, हम इसको इनपुट करवाते हैं। तो कमांड लाइन इंटरफेस जो होता है, कमांड लाइन इंटरफेस यही चीज़ होती है जिसके अंदर क्या होता है, हमारी कमांड कैसे वर्क कर सकती है डॉस के अंदर वो हम बताते हैं कि जो हमारी कमांड है वो क्या होती है, सीक्वेंशियल एंड बंडल्स दोनों वे में क्या कर सकते हैं, हम उसको ऑपरेट करा सकते हैं। जैसे कि अगर मुझे एक सिंपल एडिट ही लिखना है तो मैंने टाइप कर दिया एडिट, लेकिन अगर मुझे एडिट के बाद यहाँ पर कुछ लार्ज अमाउंट में कुछ मेरा टेबल है या कुछ ऐसा जिसे मुझे इंटर करवाना है जो मेरे ऑलरेडी है, तो मैंने वहाँ से कॉपी पेस्ट करके मैं यहाँ पर क्या करा सकती हूँ, उस बंडल्स ऑफ कमांड को क्या करवा सकती हूँ, इनपुट करवा सकती हूँ। तो मैं बंडल्स बंच में भी प्रेजेंट कर सकती हूँ और एक सिक्वेंशियल वे में भी क्या कर सकती हूँ, प्रेजेंट कर सकती हूँ। ये तो मेरा हो गया कि कमांड लाइन जो रहती है वो कमांड लाइन क्या होती है, ये चीज़ तो हो गई यहाँ पर क्लियर। नाउ नेक्स्ट कमांड लाइन के बाद होता है मेरा डिवाइस इंडिपेंडेंट इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस। अब इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस मेरा होता क्या है, सिंपल सी बात है, इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस आप सबको पता रहता है कि जब भी हम कुछ भी चीज़ इनपुट करवाते हैं, मतलब कि अगर मैंने कुछ कमांड दी है मैंने डिवाइस को, तो वो कमांड कुछ रिजल्ट करके मुझे यहाँ पर उसका आउटपुट देगी, बिल्कुल आउटपुट परफॉर्म करेगी। जब भी कोई कमांड है वो कमांड फंक्शन वर्क करके क्या देगी, मुझे एक गिवन प्रॉपर आउटपुट यहाँ पर देगी। तो डिवाइस इंडिपेंडेंट इनपुट एंड आउटपुट प्रोसेस है, इसके अंदर हमारा क्या होता है कि इसके अंदर हम हमारी कमांड को पास आउट करते हैं एंड देन वो हमारा इनपुट रहता है, देन उसका जो रिजल्ट रहता है वो रिजल्ट हमारा क्या होता है, शो होता है आउटपुट के, इसमें क्या होता है हमारा जो रिजल्ट रहता है वो शो होता है। तो उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, हमारा डिवाइस इंडिपेंडेंट बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स होते क्या है और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स वर्क कैसे करते हैं। अब अगर हम इन डिटेल्स डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को पढ़ना चाहेंगे तो डॉस के अंदर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर बहुत सारे होते हैं, जैसे कि कुछ अल्फाबेटिकली कुछ कैरेक्टर्स ऐसे रहते हैं जो डॉस के अंदर डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होते हैं, डिफाइन होते हैं। अब डायरेक्टरी स्ट्रक्चर जो है, मैं आपको एक इन शॉर्ट एक इसका टेबल बना के बताती हूँ। डायरेक्टरी स्ट्रक्चर में होता है रूट डायरेक्टरी एक होती है मेन रूट, जिससे क्या होता है हमारे डिफरेंट डायरेक्टरी फंक्शन जो रहते हैं वो रिलेटेड रहते हैं। तो इसके अंदर दो टाइप के डायरेक्टरी होते हैं, एक होता है D1, मैं डायरेक्टरी को D1 से प्रोनाउंस कर रही हूँ, D1 एंड D2, ये दो टाइप के डायरेक्टरी फंक्शन होते हैं। D1 के अंदर भी क्या होता है, दो फंक्शन होते हैं जो कि हमारा क्या होता है, ये होता है हमारा सब डायरेक्टरी A1 और ये होता है हमारा सब डायरेक्टरी A2, ठीक है। एंड देन फिर इसके सब डायरेक्टरी A2 के अंदर भी हमारा क्या होता है, यहाँ पर होती है हमारी फाइल टेक्स्टिंग और यहाँ पर भी हमारी क्या होती है, एक और फाइल टेक्स्टिंग 1। मतलब कि जब एक डायरेक्टरी फंक्शन परफॉर्म रहता है, डायरेक्टरी फंक्शन इस तरीके से रूट को उसको परफॉर्म करता है, मतलब कि जो डायरेक्टरी फंक्शन रहता है वो हमारी फाइल्स को क्या करता है, प्रॉपर वे में क्या करता है, डायरेक्ट करता है। जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट, कोई भी चीज़ है, अगर उसको पूरे को कंस्ट्रक्ट करना है, जैसे डॉस के अंदर अगर हम प्रोग्राम बनाते हैं तो डॉस हमारा क्या करता है, एक प्रॉपर वे में डायरेक्ट करता है कि आप पहले ये करेंगे उसके बाद ये जो आपका लास्ट आउटपुट एंड रिजल्ट आएगा। तो डायरेक्टरी फंक्शन वर्क करता है वो, सबसे पहले हमारे पास होता है रूट डायरेक्टरी। रूट डायरेक्टरी हमारा क्या करता है, प्रॉपर
पर डिफाइन करता है कि कैसे वो फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। रूट डायरेक्टरी के किस पार्ट में डिवाइड हो चुका है, दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। एक तो हो गया हमारा D1 और एक हो गया हमारा D2, मतलब रूट डायरेक्टरी दो पार्टीशन में डिवाइड हो गया, D1 एंड D2। एंड जो D1 है वो D1 भी हमारा क्या है, दो पार्ट में डिवाइड हो चुका है, ये सब डायरेक्टरी A1 एंड सब डायरेक्टरी A2। मतलब कि सबसे फर्स्ट क्या होता है, एक मेन हेड रहता है, वो इंस्ट्रक्ट करता है कि आप दो ये चीज़ परफॉर्म करेंगे, तो वो दो डायरेक्टरी फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं, उसमें से एक के पास रहता है कि आप इसके अंदर ये चीज़ें क्या करवा सकते हैं, प्रॉपर परफॉर्म करवा सकते हैं। तो वो किस में डिवाइड हो गया, सब डायरेक्टरी फंक्शंस में वो डिवाइड हो गया। देन सब डायरेक्टरी फंक्शन के अंदर क्या होता है, लास्ट हमारा आता है फाइल टेक्स्टिंग। और फाइल टेक्स्टिंग के अंदर हम क्या करते हैं यहाँ पर, कि जैसे एक हो गया हमारा फाइल टेक्स्टिंग और एक हो गया हमारा सब डायरेक्टरी, एक हो गया हमारा फाइल टेक्स्टिंग और एक हो गया हमारा सब डायरेक्टरी। मतलब सब डायरेक्टरी के अंदर भी एक और पार्ट होता है सब डायरेक्टरी A2, और उसके अंदर क्या होता है फाइल टेक्स्टिंग। मतलब सबसे फर्स्ट फाइल टेक्स्ट होता है, देन उसके बाद हमारा क्या होता है सब डायरेक्टरी परफॉर्म होती है। तो इस तरीके से जो हमारा डायरेक्टरी जो स्ट्रक्चर होता है, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर इस तरीके से डिफाइन होता है। नाउ नेक्स्ट इज रिटन इन असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज होता क्या है, ठीक है, हमारी जो नॉर्मल लैंग्वेज रहती है डॉस की, तो डॉस की लैंग्वेज जब हमारी असेंबली लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है, और वो कन्वर्ट किसके थ्रू होती है, मतलब कि हमारी डॉस लैंग्वेज जो है वो कन्वर्ट होती है असेंबली लैंग्वेज के थ्रू, बट वो किसकी हेल्प के थ्रू होती है, हमारे कमांड की। जब हम कमांड इनपुट करते हैं तो हमारी डॉस लैंग्वेज को हम असेंबली लैंग्वेज के अंदर भी क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये चीज़ हमारी किस में होती है, रिटन इन असेंबली लैंग्वेज के अंदर होती है। देन उसके बाद होता है हमारा एरर रिकवरी। एरर रिकवरी हमारा क्या परफॉर्म करती है, जो एरर रिकवरी रहती है वो क्या करती है कि एक फीचर प्रोवाइड करती है कि इन केस कभी ऐसा हो जाए कि आपने इसके अंदर कोई प्रोग्राम बनाया हो, आपने कोई एक स्टेटमेंट लिखा, कुछ भी अगर आपने यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा और मे बी उसके अंदर कोई एरर हो चुकी हो, मतलब उसके अंदर कोई एरर आ गई हो, तो उस एरर को डिटेक्ट करके एंड देन वो रिकवर करने का भी ऑप्शन इमीडिएटली दे देता है, क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट लाइन जो है वो हमारी क्या होती है, प्रोसेस में नहीं होती है। जब तक आप इसको नहीं रिकवर करेंगे तब तक हम नेक्स्ट प्रिंट नहीं कर सकते। तो एरर रिकवरी बहुत ईजिएस्ट वे में इसके अंदर हो जाता है। नाउ डिवाइस मैनेजमेंट। डिवाइस का मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि जब आपके पास लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा प्रेजेंट होता है उस समय आपको डिवाइस को प्रॉपर मेंटेन भी करना पड़ता है कि किस हिसाब से आपका स्टोरेज शिफ्ट होगा, कैसे आपका डिवाइस वर्किंग करेगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई अनएक्सपेक्टेड फाइल तो नहीं है, उसके अंदर क्या है क्या नहीं, वो सारी चीज़ें किसके थ्रू होती है, डिवाइस मैनेजमेंट के थ्रू वर्किंग में आती है। नाउ नेक्स्ट इज डॉस टेक्स्ट एडिटर। डॉस टेक्स्ट एडिटर क्या होता है, ये हमारे टेक्स्ट एडिटर का क्या करता है, वर्क करता है। और एडिटर मतलब कि कुछ चीज़ को एडिट कर रहा है, तो इसके लिए हम हमेशा कमांड, जब भी हमें कुछ एडिट करना होता है या कुछ करना होता है, तो हम हमारे एडिट फंक्शन जो है उसको टाइप कर सकते हैं, जो कि हमारी क्या होती है, कमांड होती है, जो कमांड में वर्क करती है। तो डॉस टेक्स्ट एडिटर हमारा क्या होता है, एक एडिट फंक्शन को परफॉर्म करता है, जिसको हम इस कमांड के थ्रू क्या कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। तो ये फीचर्स ऑफ डॉस थे। आई होप सो कि आपको ये फीचर्स ऑफ डॉस समझ में आए हो। प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। सो प्लीज़ पर्सनल वीडियो को सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर कोई ऑनलाइन भी इंटरेस्टेड है पढ़ने के लिए, तो आपका कॉन्टैक्ट नंबर कमेंट सेक्शन के अंदर आप ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर चैनल। थैंक यू सो मच गाइज़।